खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। हमारे नुमाइंदे चौधरी अब्दुलमान की रिपोर्ट के मुताबिक आम इंतखाबात जो कि 8 फरवरी को मनक़द होंगे, इस सिलसिले में शोरकोट में भी कागजात नामजदगी RO NA 110 नियाज अहमद मुगल के पास उम्मीदवारों ने जमा करवाने शुरू कर दिए हैं। खान जवाद अली खान सियाल ने बतौर उम्मीदवार MNA NA 110 के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि मैं आज NA 110 से कागजात नामजदगी मैंने दाखिल करा दी हैं, सीरियल नंबर 1, और अल्लाह की करम नवाजी से मैं इलेक्शन में इस हलके से, ये मेरा आबाई सीट है हमारी, और मेरे नाना ग्रैंडफादर इसी हलके से, तहसील आमनपुर और तहसील शोरकोट, जब दो तहसीलें हो गई हैं, पहले एक तहसील थी, इसी हलके से वो MNA भी रहे हैं और MLA भी रहे हैं और कायदे आज़म के साथ ही रहे हैं। हमारा एक बैकग्राउंड है और मैं खुद MPA रहा हूँ यहाँ शोरकोट से। तो इंशाल्लाह अल्लाह की करम नवाजी से मेरी एक जो गुजारिश ही मैं करूँगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दी जाए और फेयर इलेक्शन जो है, मैं तवक्को करता हूँ इलेक्शन कमीशन से भी और ये तवक्को करता हूँ अपने अदारों से भी और ये तवक्को करता हूँ मैं हुकूमत से भी, हुकूमत वक्त से। खान साहब, आप किसी की टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे या आज़ाद हसीयत? मैं इंडिपेंडेंट हसीयत से जी मैं इलेक्शन में जा रहा हूँ, और क्योंकि हमारा पहले भी हम लड़ते रहे इलेक्शन और इंशाल्लाह अब भी इलेक्शन लड़ेंगे, बाकी ये कॉन्टेस्ट करेंगे। तो ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हमारा जो मिशन है ना, मेरे बुज़ुर्गों का जो मिशन है वो ये था कि हम सियासत इबादत समझ के करते हैं, फेयर करेंगे, और मैं MPA रहा हूँ, मेरा भी यही था कि हम सियासत इबादत समझ के, जब सियासत को कारोबार बना दिया जाता है वो सियासत नहीं होती और वो लोगों के लिए मसाइल हल नहीं कर सकता। अगर आप फेयर प्ले करेंगे, सही तरीके से चलेंगे, तो अल्लाह की करम नवाजी से बेहतरी होगी। हम पब्लिक की बेहतरी चाहते हैं, लोगों की बेहतरी चाहते हैं, और जो लोग जिनका ये नज़रिया है कि इलेक्शन लड़ना सिर्फ उनका प्रोग्राम करप्शन करना, ये करप्शन की वजह से ही ये हालात हमारे आज मुल्क के जो हुए हैं ये। और मैं एक और बात भी करूँगा, मैं गुजारिश लाजमन करना चाहता हूँ ये कि 16 माह में जिन पार्टियों ने हालात लोगों के ऐसे हालात कर दिए हैं, पब्लिक को क्रश कर दिया है, और इंशाल्लाह उन PDM का हम भरपूर तरीके से उनका मुकाबला करेंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की करम नवाजी से, आवाम की मदद से, लोगों की दुआओं से इंशाल्लाह उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, मुझे तवक्को है।